الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه وتوهمه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم في سواه معلول بتشعيره المشاعر عرف عن لا مشعر له وبمزادة بين الأمور عرف عن لا ضد له وبمقارنة بين الأشياء عرف عن لا قرين له زاد النور بالظلمة والوضوح بالبهمة جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ایک ہزار تین سو بیانوے ہجری کے آغاز پر آج ہم پھر ایک مرتبہ تجدید عہد محبت و ولا کے لیے یہاں جمع ہیں اور اس اجتماع کا واحد مقصد یہ ہے کہ آغاز سال ہجری کے ساتھ ساتھ اس تذکر کو بھی باقی رکھیں، اس یاد کو بھی قائم رکھیں کہ جو تذکر اور جو یاد ہماری زندگی کا واحد سرمایہ ہے اور ہمارا وہ خزانہ ہے جس کو ہم نے نسلا بعد نسل پایا اور جس کو ہم نسلا بعد نسل چھوڑ جائیں گے۔ نعرہ حیدری! پہلی مجلس نشتر پارک کی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس عنوان کی حامل ہے کہ صحیح طور پر
हम एक दुरुस्त अंदाजा कायम करें तौहीद और शिर्क का। इस उन्वान का ऐलान किया गया और यहां की इन मजलिसों के लिए यही उन्वान करार पाया। दोनों लफ्ज आपके लिए नए नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि एक एक की जिद है। नूर और जुल्मत को समझने वाले, दिन और रात को जानने वाले, बसारत और बेबसीरती का अंदाजा करने वाले, इल्म और जहल का फर्क समझने वाले, रात और दिन की हकीकत को जानने वाले, तौहीद और शिर्क को पूरी तरह से जानते हैं। याद सिर्फ इसलिए दिलाना पड़ता है कि जमाने का तकाजा ये है कि या तौहीद की सही तारीफ हो जाए ताकि शिर्क समझ में आए, या शिर्क की सही तारीफ हो जाए ताकि तौहीद समझ में आए। कुछ हुदूद ऐसे हैं कि जहां यह गुफ्तगू तारीफ की मुतशाबेह हो रही है, और वो इस तरह से कि हर मंजिल पर हर अमल को, हर अकीदे को, हर फेल को, हर कौल को शिर्क करार देने की आदत, जहां पैवस्त हो जाती है वहां तौहीद का मफहूम इतना महदूद होकर रह जाता है कि इंसान फिर ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि हम सही माना में इस इस्तिलाह से क्या मुराद ले रहे हैं और इसका मफहूम क्या है। मैं इस हकीकत को पहले वाज़ह कर दूं कि तौहीद फकत अकीदा नहीं है, तौहीद चाहती है इतलाह, तौहीद का तकाजा है इंतबाह, तौहीद का मंशा है अप्लीकेशन, तौहीद का मकसद ये है कि ये अकीदा अमल पर इस तरह से छा जाए कि वहदत इलाह के इस अकीदे के इंतबाह से वहदत अफकार भी पैदा हो, वहदत किरदार भी पैदा हो और इंसान एक ऐसी वहदत फिक्र के साथ जिंदगी बसर करे जहां इंतशार अकाइद में और इंतशार आमाल में न हो। आप फिर तवज्जो फरमाएं कि सिर्फ अकीदे की हद तक तौहीद को महदूद रखने में इस्लाम की वो नूरानी सूरत के जिसकी नक्शकशी दस्त पैगंबर से हुई थी वो हिजाब में आ जाती है और फिर
इस्लाम इस्लाम नहीं रहता। हम आज वक्त के इस तकाजे को पूरा करना चाहते हैं कि वहदत फिक्र हो, वहदत अमल हो, वहदत मिल्ली हो, मुसलमान इस अकीदे की वहदत के साथ साथ अपने अफकार में वहदत पैदा करें। और जहां जहां आलम इस्लाम है वो फिर गौर करे कि मंशाए तौहीद इलाही क्या है कि जिस पर इतनी सख्ती से हुक्म दिया गया कि कितनी मर्तबत इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने मुझसे पहले, किसी ने मुझसे पहले और मैंने कभी नबुव्वत से पहले, किसी ने मुझसे पहले और मैंने कभी नबुव्वत से पहले इस तरकीब को नहीं पेश किया था जिस तरकीब को मैं कलमा बना के पेश कर रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। एक अजीब बात यह है, यह हज़रत इब्राहिम ने नहीं, इस्माइल ने नहीं, किसी अरबी बोलने वाले पैगंबर की जबान से यह जुमला नहीं निकला। कुरान में कुल दो मकाम पर यह जुमला है, एक 37वें सूरे में, एक 47वें सूरे में, सूरह साफात और सूरह मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह। वरना पूरे कुरान पर 70 मकाम से ज्यादा ला इलाहा इल्लाहु है। मगर कलमे का ये जुजो अपनी तकमील के साथ कुल दो मकाम पर, एक सूरह साफात में जो 37वां सूरा है, एक सूरह मोहम्मद में जो 47वां सूरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह साफात इब्तदाई वही का दौर है, सूरह मोहम्मद आखिरी जमाना है मक्के का कि जब हिजरत हो रही थी। यह सूरा आया कि आगाज ला इलाहा इल्लल्लाह, अंजाम ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वलीन और आखिरी में किसी की जबान पर नहीं आया और किसी को जेब ही न दे सका बजुस एक इंसान के कि जब उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो कुदरत ने आवाज दी मोहम्मद रसूल। सूरह साफात और सूरह मोहम्मद में है ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए तारीख है ला इलाहा इल्लल्लाह की है कि अपनी मर्तबत से पहले किसी नबी की जबान पर यह जुमला नहीं आया। हर नबी मुवाहिद था मगर लफ्जों की यह तरकीब नहीं थी, यह तरकीब नहीं थी। फरमाते खुद नबुव्वत से पहले मैंने कभी नहीं कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि खुदा एक। मगर नफी के बाद इस बात, नफी के बाद इस बात यह उस वही की बिना पर था कि जहां खत्मी मर्तबत इंतजार कर रहे थे कि मेरी मिल्लत के लिए अब कोई ऐसा जामे फरमान आए कि अगर मिल्लत उस जुमले का विर्द करे तो नजात पा जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मिल्लत पर तारी हो जाए तो आगे बढ़ते हुए कदम पीछे न हटे। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मिल्लत पर तारी हो जाए तो खवाफ ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान पर मोहित हो जाए। सदाकत ही सदाकत रहे, नूर ही नूर रहे, रोशनी ही रोशनी रहे, इल्म ही इल्म रहे,
हयात ही हयात रहे, बशर्ते के वो कलमा तारी हो। तो खत्मी मर्तबत ने साफात और सूरह मोहम्मद से लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, और पूरा टुकड़ा यही कुरान में आया मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मा हुवा शिद्दा अलल कुफार, ये भी पूरी आयत है, पूरी आयत का टुकड़ा है। दो आयतों को मिलाया तो कलमे तैयबा बना। अब अगर कोई मैथमेटिशियन यहां मौजूद है और यकीनन है तो जरा गौर तो करें कि मुख्तलिफ एंटिटीज को जमा नहीं किया जाता, यानी यह सही है कि दो और दो चार हैं, मगर यह देखना पड़ता है ये दो कौन है वो दो कौन है, ये हिसाबी इस्तलाहात है और इस पर आइंस्टाइन की एक बसीद बहस है कि जब तक कि आप एंटिटीज को मालूम न करें, अशिया की हकीकतों को मालूम न करें, जमा न करें, बल्कि हर एक को अपने मकाम पर रखें। कुरान मजीद ने एक ख्वाब के सिलसिले में गुफ्तगू की और बहुत आसानी से यह कहा जा सकता था कि 13 नुजूम समा मुझे सजदा कर रहे हैं, मगर चूंकि एंटिटीज में फर्क था इसलिए यूसुफ ने याकूब से कहा या अबते इन्नी राई तू अहद अशर कौकबन व शमसु वल कमरू राई तो हुमली साजदीन, बाबा मैंने देखा 11 तारे आफ्ताब महताब मुझे सजदा कर रहे हैं। तारे और हैं, आफ्ताब और है, महताब और है, इसलिए अलग अलग करना पड़ता है कि सितारों में कहीं चांद ना आए, सितारों में कहीं महताब ना आए, इसलिए कुरान ने अलग किया का 11 तारे आफ्ताब और महताब मुझे सजदा कर रहे हैं, यानी अलाहदा अलाहदा कर दिया। बिल्कुल उसी तरह कलमा तैयबा में एक खालिक कुल है, एक मालिक मुतलक है, एक हय हकीकी है, एक कदीम लम यज़ल्ला यज़ाल है, एक साहिब इरादे मुतलका है, एक ऐन इल्म है ऐन अदल है, ऐन हक है ऐन कुदरत है, और दूसरे जुमले में ऐन इज्ज है ऐन इंकसार है, वहां वजूब है यहां इम्कान है, वहां कदम है यहां हुदूस है। तो इस तरह से चूंकि एंटिटीज अलग हो गई, इसलिए कलमे में अगर कोई दो नाम ले तो शिर्क नहीं है। तो अब आपने देखा मैं मुकदमा से बहस कर रहा हूं, कोई है मुसलमान जो खुद अपने कलमे को शिर्क कहे? नहीं, नहीं। क्यों? इसलिए कि वह एक तस्करा माबूद का है और एक गुफ्तगू आब्द की है। अब ये माबूद से पूछो कि अपने नाम के साथ अपने बंदे के नाम को मुत्तसिल क्यों कर दिया? तो मालूम हुआ कि इत्तसाल अब्द बामाबूद, मालूम हुआ कि जिक्र अब्द मईयत माबूद में यकीनन
ईमान का बायस है। इसलिए कलमा पहले तो कौल के कुल की गवाही है, पहले उस कदीमो हयो अलीमो कदीरो लम यज़लो ला यज़ाल की तरफ इशारा है, और फिर उसके एक ऐसे बंदे का तस्करा है जो उसकी तरफ से साहिब पैगाम होकर आता है। तो जाहिर है कि वो बंदा अब्द है और वो खालिक कुल माबूद है। माबूद ने लाजिम जाना कि मेरे साथ मेरे बंदे का नाम रहे। अब अगर कोई माबूद का एहतराम करे और अब्द का एहतराम न करे, अब अगर कोई माबूद के लिए तो दिल में मोहब्बत पाए और अब्द के तसव्वुर को तौहीद के मनाफी जाने, तो उसके माना ये है कि वो अपने ही उसूल अकायद से वाकिफ नहीं है, अपने उसूल अकायद से वाकिफ नहीं है। अजीब बात यह है कि पैगंबर इस्लाम जब यह फरमा रहे हैं कि ला इलाहा कोई परस्तिश के काबिल नहीं है, तो किस चीज की नफी की? जब नफी की ला कहकर तो नफी किसकी हुई? आलेहा की नफी हुई, खुदा की नफी हुई, इलाह की नफी हुई, ला इलाहा। और फिर इस्तिस्नाओं के बाद इसमें ज़ाते जलीलो अजल का तस्करा किया कि कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह। तो कलमा नफ़ी इलाह से शुरू होता है और इस्तिस्ना के बाद अल्लाह पर खत्म होता है। तो अगर कलमे की कुव्वत चाहते हो तो नफी करो, तुम भी नफी करो, माबूदों की नफी करो, जिनकी परस्तिश की जा रही है उनकी नफी करो, जिनको खालिक समझा जा रहा है उनकी नफी करो, जिनकी इबादत हो रही है उनकी नफी करो, इलाह की नफी करो, इंसान की नहीं। देखिए ला इलाहा है। मैं चाहता हूं खुसूसन मेरे नौजवान भाई के, जिनको मैं बहुत ज्यादा अजीज रखता हूं और जो इस तरह से शमे मजलिस में परवानावार आते हैं, उनके लिए लाजिम यह है कि वो एक एक लफ्ज को बहुत गौर से सुने, इसलिए कि कयामत की हवाएं तुंद हो रही हैं, झक्कड़ पे झक्कड़ आ रहे हैं, कहीं कदम न डिगे, कहीं तुम मुजमहिल न हो जाओ। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है? फकत एक मसअला इल्म कलाम। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है? फकत एक मसअला इल्म कलाम। और आखिरी शेर, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेंगे बेचारे दो रकअत के इमाम।
तो तौहीद एक कुव्वत थी, एक कुव्वत थी। तौहीद को अब भी एक कुव्वत ही रहना चाहिए, मगर शर्त यह है कि तौहीद वाज़ह हो जाए कि नफी किसकी है। हम कहीं धोखे में न चले जाएं और जरा जरा सी बात पर हम किसी का दामन न थामें, जरा जरा सी बात पर हम किसी से शिकवा न करें। देखिए यह शिर्क हो गया, देखिए यह शिर्क हो गया। भाई कहां है शिर्क, कहां है शिर्क? ला इलाहा है ना, ला मोहम्मद तो नहीं है। खुदा कोई नहीं है मगर खुदा, इलाह कोई नहीं है मगर अल्लाह। और मोहम्मद के लिए तो नफी से नहीं शुरू किया ना। देखिए कलमे में तो नहीं शुरू किया, मुमकिन है किसी और मकाम पर जलाल बंदगी को बताने के लिए कहा हो वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर रसूल। किसी मकाम पर मुमकिन है चाहा हो, मगर कलमे में नफी नहीं, में नफी नहीं की, फकत इसलिए कि कहीं कल्ब मरीज को फिर धोखा ना हो कि वहां भी नफी की यहां भी नफी की। तो कहा नहीं, एक कलमा इस बात थी इस बात कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह। तो अब कलमा तैयबा के दो जुज में, एक तरफ तौहीद खालिक कौल मालिक अलल इतलाक की याद, और दूसरी तरफ एक बंदे का जिक्र जो जमानो मकान की हदों में किसी एक मकाम पर आया, जो अजल में न था, जो माजी में कहीं नजर नहीं आया, किसी मकाम पर तारीख ने उसके चेहरे से नकाब को उठाने की कोशिश की और फिर उसके चेहरे पर नकाब डाल दिया गया, मगर दिल में मुस्लिम के उसके नाम को बाकी रखा का ये है मेरा बंदा, ये है मेरा बंदा, जिसको कदीम होने की जरूरत नहीं है, जिसको कादर कुल होने की जरूरत नहीं, जिसको मुख्तार अलल इतलाक होने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझसे निस्बत है, मुझसे निस्बत है, और ऐसी निस्बत कि फिर इतना कोई नजदीक नहीं है, इतना कोई नजदीक नहीं है। इसलिए इस बंदे को न भूलो अपने कलमे में। क्यों? आने वाली तकरीरों में यहां या फिर रात में 9 बजे खालिक दीना हॉल में आप एक दूसरे उन्वान की सूरत में सुनेंगे। एक अजीब लतीफ बहस यहां शुरू हो जाती है और वो ये है कि अगर यह ऐलान किया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दिल ने कहा, जबान ने कहा, आजा व जवारह के वजूद ने कहा, सराव सरे जिंदगी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनने वाले को तो यकीन करना चाहिए ना कि यह कह रहा है, यह कह रहा है। और यहां तक कहा कि मन कौल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और आरिफ हो वजबत लहुल जन्ना। पैगंबर इस्लाम ने कहा अगर आरिफ हो ला इलाहा इल्लल्लाह का तो जन्नत वाजिब है, और मासूम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो मेरे कले में आए अजाब से बच जाएगा। तो इतनी अहमियत के इस जुमले को मुत्तसिल कर दिया
तारीख की एक फर्द से जो तारीख के किसी गोशे में कहीं आकर रह गई, तो मैं आपके इल्मो फहमो दिलो दिमाग से मुस्तफसर हूं कि ये दोनों का रब्त क्या है। उस कदीम को इस हादिस से, उस कादर कुल को इस आजिज से वो क्या रब्त है कि मालिक ने यह चाहा कि मेरे नाम के साथ ये नाम रहे और फिर वो जाने तौहीद बने। देखिए बहुत अहम गुफ्तगू है, वो जाने तौहीद बने। कलमे को न समझना ही इंसान को इन दुश्वारियों में मुब्तला करता है कि वो शिर्क को तौहीद के हुदूद को आज तक न पहचान सका। जरा सी बात पर ये कह देना कि यह शिर्क है, जबकि वो कह रहा हो कि खुदा है और एक है, और खुदा वंद अल्लाह कहता है शहद अल्लाह हो। ये आले इमरान की आयत है जो उनवान है इन तकरीरों के लिए, शहद अल्लाह हो अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है। बहुत गौर से सुनिए, शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु, और मलाइका गवाही देते हैं, वो उलुल इल्म और साहिबान इल्म गवाही देते हैं, कायमन बिल क़िस्त जो अदल पर कायम है, अल्लाह के एक होने की गवाही या वो खुद दे या मलाइका दे या साहिबान इल्म दे जो अदल पर कायम है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आसान नहीं है। शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, खुदा शहादत दे रहा है कि वो एक है, वल मलाइकतु और मलाइका गवाह है, वो उलुल इल्म और साहिबान इल्म गवाह। फकत यही नहीं कि इल्म है, कायमन बिल क़िस्त, इल्म के साथ अदल की शर्त है कि आलिम आदिल गवाही दे, और खुदा बंदे अली आला अजीज व हकीम है। तो वो जो शहादत दे रहा है कि मैं एक हूं, ये मेरे तकरीर के आखिरी अज्जा है, बहुत गौर से सुनिए, वो जो शहादत दे रहा है कि मैं एक हूं, आले इमरान में तीसरे सूरे में, वो 63वें सूरे में शहादत दे रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू किया जाता है नाम से अल्लाह के जो रहमान और रहीम है। इज़ा जाकल मुनाफिकून, जब तेरे पास मुनाफिक आते हैं, कालू कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कहते हैं हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, वल्लाहु यालमो इन्नका लरसूलुहु, और हालांकि अल्लाह को इल्म है कि तू उसका रसूल है, वलाकिन अल्लाह यशहदु, लेकिन खुदा शहादत दे रहा है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, के मुनाफिक झूठे हैं, जो अपनी तौहीद की शहादत दे वो मुनाफिक के झूठे होने की भी शहादत दे। उस अहमियत को देखिए कि अब बहस क्या हुई कि या अपनी तौहीद पर गवाही दे या ये कहे कि हर एक जो तुझसे आके कहे, हर एक जो तुझसे आके कहे, सिलसिले तकरीर आप समझ गए, मैं फिर दोहराऊंगा, यानी खुदा की तौहीद पर शहादत देने के लिए अदल की जरूरत है। ये बहस थी ना, शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त, और पैगंबर की रिसालत पर गवाही देने के लिए, पैगंबर की रिसालत की गवाही देने के लिए
जबान और दिल की उस एक रंगी की जरूरत है कि जहां जो जबान कहे वो दिल कहे। मुनाफिक आ रहे हैं तेरे पास और ये कह रहे हैं कि हम गवाही देते हैं, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि हम शहादत देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह को इल्म है कि तू रसूल है, यानी खुदा ये नहीं कहता कि अल्लाह भी शहादत देता है। भाई तवज्जो से सुनिए, ये नहीं कहता कि अल्लाह भी शहादत देता है कि तू रसूल है, नहीं, अल्लाह को इल्म है कि तू रसूल है, मगर मैं शहादत देता हूं कि ये झूठे हैं। वल्लाह लकिन अल्लाह यशहद इन्नहुम लकाज़िबून इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठे। अपने का किस मकाम पर यह गुफ्तगू हुई जहां नबी की शहादत थी, अपनी शहादत नबी की शहादत, एक तीसरा मकाम, और आज आपके दिलो दिमाग पर ज्यादा बार नहीं होगी ये तकरीर। तीसरा मकाम सूरह तौबा, नवा सूरह, और वो जिक्र ये है कि अल्लाह का नाम ले लेके, अल्लाह का नाम ले लेके कलमा पढ़ पढ़ के एक मस्जिद बनाई। وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, जिन लोगों ने एक मस्जिद बनाई मजरत पहुंचाने वाली, कुफ्र पैदा करने वाली, सूरह तौबा की आयतें हैं। यह कुरान है, हदीस नहीं है। वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई जरार, जिसमें कुफ्र भी है तफरीक भी है, इरसादन लमन हारब अल्लाह व रसूलहू, और उस मस्जिद को एक पनाह गाह बनाने की कोशिश की उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ रहे हैं। एक मकाम पर अपनी जात पे गवाही दी, एक मकाम पर रसूल के लिए गवाही दी कि तुझ पर गवाही देने वाले झूठे हैं। अब यह तीसरा मकाम है। والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, वो पनाह गाह बना रहे हैं, कमी गाह बना रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने वालों के लिए। और वसयहलफुन्ना, और कसम खा खा के कहते हैं, इन अरदना इल्लल हुस्ना, अरे हम तो नेकी की तरफ ले जा रहे हैं। मस्जिद भी बनाई है, नाम उसी का है, किसी और का घर नहीं है। मस्जिद बनाई है, नाम उसका है, इबादत करने की नीयत है, और कहते हैं कसम खा के, सयहलफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, खुदा शहादत दे रहा है कि ये झूठे। अब आपने देखा यह तीसरी आयत इस्तदलाल में कि शहादत इलाही अब दोनों के दुश्मन के लिए है। एक तो अपनी जात पे शहीद, दूसरे नबी के लिए शहीद के जो शहादत दे रहे हैं वो झूठी है। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, यानी दूसरों की शहादत पर शहादत देना कि ये झूठी शहादत है, ये दूसरी आयत। और तीसरी आयत ये कि मस्जिद बना रहे हैं मगर ये कुफ्रो तफरीको इरसाद है, अलिफ रे स्वात अलिफ दाल, इसलिए हबीब ला तकबिया उधर ना जाओ। जाहिर है कि आप सब जानते हैं मस्जिद को गिरा देने का हुक्म हुआ, मस्जिद को गिरा देने का हुक्म हुआ जो रसूल के नाम से नहीं बनी थी, अल्लाह के नाम पर बनी थी, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ढा दो, और इसलिए ढा दो
तुम से बिगड़ के मेरा घर बनाए, जो तुम्हारी दुश्मनी की बुनियाद पर मेरे घर की इमारत रखे, जो तुमसे ऐलान जंग करके मेरा नाम लेना चाहे, उसमें जरर भी है कुफर भी है, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी भी है, तो आइए कलमे की तरफ। अब कलमे की तरफ आइए, अब जर्रा बराबर भी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिल में कभी लगी है तो ला इलाहा इल्लल्लाह को मुंह पर मार दिया जाएगा। तेरी अहदियत जाहिर है,
कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मगर मालिक इसके ये माने नहीं है कि एहतराम मोहम्मद शिर्क बन जाए। इसके माने ये नहीं है कि खत्मी मर्तबत की कोई अजमत अगर बयान करे तो दुनिया समझे कि हुदूद बंदगी को तोड़ रहा है। क्या ख्याल है भाई, एक गवाही दी अपनी जात पर, मलाइका गवाही दे कि वो एक है, साहिबान इल्म गवाही दे जो आदिल पे कायम है कि वो एक, मगर एक मंजिल आई जहां अपना भी नाम लिया, मलाइका का भी नाम लिया, साहिबान इल्म की जगह साहिबान ईमान का नाम लिया और कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। साहिबान ईमान तुम भी दुरूद भेजो। तो दुरूद अगर मुसलसल भेजा जाए और इस शान से भेजा जाए कि जहां दुरूद खत्म हो क्योंकि नाम आ रहा है फिर दुरूद भेजे, और इस तरह अगर यह सिलसिला मरते दम तक भी खत्म न हो तो वो तौहीद है, शिर्क नहीं है। गुफ्तगु यह है कि खुदावंदा रहमत को नाजिल कर, यह सूरह अहज़ाब की आयत है, आए दुरूद सूरह अहज़ाब में है, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। तो अब एहतराम में खत्मी मर्तबत हयात मुस्लिम है, मुसलमान की जिंदगी है जब तक दिल में वो एहतराम ना हो तौहीद की तरफ रुख ना करना, तौहीद की तरफ रुख ना करना। आप तौहीद को समझ नहीं सकेंगे, आप आने वाली तकरीरों में समझेंगे कि ये एहतराम क्यों लाजिम है, किसने बतलाया कि खुदा एक है, किसने समझाया कि खुदा एक है, किसने कहा कि सिफाते जात क्या हैं, किसने कहा कि सिफाते अफाल क्या हैं, किसने कहा कि सिफाते सबूतिया क्या हैं, किसने कहा कि सिफाते सलबिया क्या हैं, किसने कहा कि वो कदीम है, वो अजली है, वो अबदी है, किसने तारुफ करवाया। तो अल्लाह ने ये कहा कि बंदे तूने मेरा नाम इस अजमत से लिया है इसलिए हबीब व रफाना लका जिक्रक, हमने तेरे जिक्र को भी बुलंदी दे दी। व रफाना लका जिक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर, रफअत दे तो मकाम रफअत में खत्मी मर्तबत, और यही वजह है कि वो मरकज आलम है, मरकज कायनात है, मरकज अहले ईमान है। तो जब मरकज अहले ईमान हो तो यकीनन मरकज आले मोहम्मद भी होंगे, मरकज आले मोहम्मद भी होंगे। और यही वजह है कि जब सन 60 हिजरी रजब की 28वीं तारीख को हुसैन मदीने से निकल रहे थे तो पूरी रात 28 की, जैसे 27 का दिन गुजरने के बाद पूरी रात 28 की हुसैन ने नाना के रोजे में गुजार दी। खत्मी मर्तबत मरकज है आले मोहम्मद के लिए, और रोजे को थाम के आसमान को देख के कहा अल्लाहुम्मा हाजा कब्र नबी का मोहम्मद, वो अनब्न बिन्त नबी
परवरदिगार, ये तेरे नबी मोहम्मद की खबर है, मैं तेरी नबी के बेटी का बेटा हूँ। इलाही कद हज़रा मिन अल-अम्र मा कद अलिमता, परवरदिगार वो वक्त आ गया जिसका तुझे इल्म है। फख्तर ली मा हुवा लका रिज़न वले रसूल का रिजा, परवरदिगार मुझे इस बात के लिए पसंद कर ले जिसमें तेरी खुशी हो तेरे रसूल की खुशी हो। ये कह के नाना की जरीब पर रुखसार को रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे, नाना हुसैन को अपना बचपन भी याद है, नाना हुसैन को आपका दोष भी याद है, नाना जिस तरह से हुसैन को आप लिए लिए फिरते थे वो सब याद है, नाना क्या ये अच्छा न होगा कि इस वक्त भी अपनी कब्र में आप छिपा लें। नाना के लिए एहतराम के कलेमात को बजा लाते हुए, नाना पे सलाम करते हुए, रोते हुए सुबह की नमाज के बाद जब 28 को रोजे से बाहर निकले और घर में पहुंचे तो देखा कि दरवाजे ही पर ज़ैनब खड़ी है। कहा, बहन क्यों ये तुम्हारी आंखें सुर्ख क्यों हैं, ये तुम क्यों टहल रही हो? काका रात भर आप बेदार रहे हैं, भला ज़ैनब को कैसे नींद आती? मैं इंतजार में थी कि भाई क्या तय करेंगे। ज़ैनब इख्तियार कामिल तुमको है, अब हम आज जाएंगे, अब तुम इंतजाम सफर करना, हमसे न पूछो कि कौन चलेगा कौन रहेगा, हमसे न पूछो क्या साथ जाना है और किस चीज को छोड़ देना। और ये कह के बाहर आके कुर्सी पर रौनक अफरोज हुए और इधर अब्बास अलमदार ने सवारियां हाजिर की, सामान सफर पार होता चला। पहले वो नाके आए जिस पर पानी से भरी हुई मशकें लदी थी, वो नाके आगे बढ़े, फिर वो सवारियां आई कि जिन पर कनीजों और गुलामों का सवार किया गया, फिर वो सवारियां आई जिन पर असहाब और असहाब के नामों सवार थे, फिर वो नाके आए जिन पर बनी हाशिम की बीवियां सवार थीं, और आहिस्ता आहिस्ता नाके आते बीवियां बच्चे सवार होते नाके आगे बढ़ जाते। सारे मदीने ने हुजूम कर रखा था कि शाह हिजाज जा रहा है, मदीने का बादशाह जा रहा है, मोहम्मद का नवासा जा रहा है, अब काहे को फिर आएगा, अब काहे को फिराना होगा। कि ऐसे में एक नाका करीब आया, उसको बिठाया गया, महमिल के पर्दे को किसी ने उल्टा, किसी ने अपने दानों को तह किया, एक बीबी कनीजों के हलके में निकली, एक बुजुर्ग ने बाजू को थामा, एक ने पर्दे को उठाया, बीबी सवार हुई, लोगों ने पूछा कौन का उम्मे लैला मादर अली अकबर। दूसरा नाका आया, इसी शान से एक बीबी सवार हुई, पूछा कौन है, कहा हसन की बेवा उम्मे फरवा कासिम की माँ सवार हो रही है। तीसरा नाका आया, एक और बीबी सवार हुई, का कौन है, कब उम्मे कुलसूम फातिमा की बेटी सवार हुई। ये नाका भी उठा आगे बढ़ा, अब्बास आए और हुसैन इब्न अली के गोशी अकदस ने कुछ कहा, हुसैन इब्न अली बेनफ्स नफीस खड़े हो गए, नाके के करीब आए, पर्दे महमिल को अपने हाथ से उठाया, एक बीबी 60 कमीजों के हलके में निकली, अब्बास ने
खानदानों को कम किया। हुसैन इब्ने अली ने एक हाथ से बाजू थामा, अली अकबर ने सर को झुकाया। बीबी सवार हुई, मदीने वालों ने कहा ऐसा जलाल हमने नहीं देखा। ये कौन बीबी है? कहा मोहम्मद की बड़ी नवासी ज़ैनब सवार हो रही है। ये 28 रजब की सवारी थी और 11 मुहर्रम को यही ज़ैनब खड़े हुए कर्बला में पुकार रही थी।